तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल में। हमारा टॉपिक है पिक्चर लुकअप एंड पेज एज ए पिक्चर्स के बारे में। सबसे पहले हम पेज एज ए पिक्चर्स एंड पिक्चर्स लिंक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्लिप बोर्ड के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे अगले टॉपिक पे। जैसे मैं छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, छोटा सा डेटा इसलिए क्योंकि इफेक्ट आपको समझ में आएगा। एक थोड़ा सा डेटा हमने बना लिया, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं मैं। सबसे पहले चीज को जानिए कि हमें पेज एज ए पिक्चर की जरूरत क्यों पड़ती, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या होता है सर कि जब आप एक्सेल पे काम करते हैं तो आपको एक छोटे एक बड़े से डेटा को छोटे से डेटा के अंदर में शो करना होता है, एक बड़े से डेटा को एक छोटे से डेटा के अंदर में शो करना होता है। कैसे करें तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमने कॉलन इस कॉलन को छोटा किया तो ये पूरा कॉलम छोटा होगा, नीचे हो सकता है कोई डेटा हो, इसलिए हम पूरी कॉलम को छोटा नहीं करेंगे। तो उसमें दो चीजें हैं, एक पहली चीज आती है कि हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं पेज एज ए पिक्चर्स, पेज से पिक्चर्स को पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। इसको अपने हिसाब से जितना छोटा या जितना बड़ा कर सकते, बट ये आपके डेटा के साथ लिंक नहीं होता है, इसको उठा के आप कहीं किसी अदर शीट पे भी ले जा सकते हो। और किसी अनदर फाइल पे भी लेके जा सकते हैं। अब इसमें ये तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि मेरा डेटा अपडेट कैसे होगा, कि क्योंकि मैं पेज एज ए पिक्चर कर दूंगा तो मेरा डेटा अपडेट नहीं होगा, तो मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा अपडेट भी हो। तो उस चीज के लिए हम इसको कॉपी करेंगे और इसी पे यहां पे पेस्ट स्पेशल में ही आप देखेंगे पिक्चर्स के बगल में हमारे पास पिक्चर लिंक होता है, तो इसके साथ अपना एक लिंक क्रिएट कर देता है। तो जब इसके ऊपर हम कोई किसी तरह की फॉर्मेटिंग या किसी तरह का डेटा चेंज करेंगे अपने ओरिजिनल सोर्स में तो हमारा ये भी चेंज हो जाएगा। अगर करके डेट में डेटा अगर यहाँ चेंज होता है 350 कर देता हूँ तो यहाँ भी आप देखिए 350 हो जाता है। अब वो डेटा चेंज करते हैं, जब यहाँ पे कर दिया पूजा एक और एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे, जिसको सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपको सेल एड्रेस दिखेगा, और मुझे इस सेल एड्रेस को इंक्रीज कर देना है, हमने 9 कर तो ये बढ़ गया, या मैं 8 कर दूं तो 8 तक। अब ये फीचर सेम शीट अनदर फाइल पे हम यूज कर सकते हैं। देखिए इसको इसके अलावा हम इसको मिक्स वर्ड पावर पॉइंट आउटलुक जैसे फीचर्स पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पावर पॉइंट की हम बात करें, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बार बार हमें कॉपी पेस्ट करना होता है, और जब हम अपनी डेटा को अपडेट करते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन को अपडेट करने के लिए भी बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो ये बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े इस चीज के लिए हमने यहाँ पे यहाँ से पेस्ट स्पेशल में दिया और यहाँ पेस्ट एज ए लिंक एंड ओके कर दीजिए, ये आपके डेटा से लिंक हो गया।
अब मैं अपने ओरिजिनल सोर्स में किसी भी तरह का चेंज करो, जनरेट कर दिया, तो आपका पावर पॉइंट भी हो जाएगा। अगर इन केस कभी प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ, तो राइट क्लिक करके यहाँ अपडेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। आप लोगों के पास किसी तरह का डाउट तो नहीं है? बाकी जी कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन आउटलुक पेज का क्या फायदा? तो चलिए हम इसको आउटलुक पेज की फायदा आपको बताते हैं कि आउटलुक पेज का क्या फायदा है। देखिए, जब हम लोग इसमें सेल्स में या कलेक्शन में काम करते थे तो एक प्रॉब्लम होती थी हमें कि हमें एक मेल को कई बार करना होता, जैसे कि एक सेल्स की अपडेट होती थी तो 25 तारीख के बाद हमें हर आधे घंटे पे उसको मेल करना होता कि हाँ अभी तक इतना सेल्स हो गया, उनके टारगेट्स अचीव हुए नहीं हुए उसके बारे में उनको पता करना होता। तो प्रॉब्लम होती थी कि हमेशा हमारा एक डेटा था जहां पे समरी बन के आ जाता था, हमेशा उसको कॉपी करना, मेल पे पेस्ट करना और कैप्शन जो भी टू सीसी या जो भी टाइप करना, थैंक्स रिगार्ड वगैरह टाइप करना और फिर भेजना, ये थोड़ा सा टेडी जॉब था। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा तरीका बनाया। हमने सबसे पहले यहाँ पे जिसको मेल करना है, जैसे मैंने किया कि आईआईटी सुजीत कुमार इसी सेव कर देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट में डालते हैं सेल्स टेस्ट और यहाँ पे डियर सर, ये आपको एक ही बार टाइप करना है। Below are your sales और यहां पे हम अपने डेटा को यहां से सिलेक्ट करते थे, इसको कॉपी करते थे और इसी के ऊपर हम पेस्ट स्टेशन में पेस्ट एज ए लिंक कर देते थे। यहां पे 100 और यहाँ पे हम रिगार्ड जो लिखना है लिख दिया और इस फाइल को हम सेंड नहीं करते थे, हम इस फाइल को सेव एज करते थे टेम्पलेट, क्योंकि मुझे हर बार भेजना होता था क्योंकि अब जब सेंड हो जाएगी तो आपका सेंड आइटम में अपडेट थोड़ी होगा। तो आउटपुट टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते थे और आपके लोकेशन पे जाते थे और इसको हम सेव कर देते। अब इसको क्लोज कर देते, इसको सेव करने की जरूरत आपको नहीं। अब नेक्स्ट टाइम मान लीजिए कि मेरा डेटा अपडेट हुआ, मैं 350 है, मैं इसको 40 कर देता हूँ और इस येलो कलर को मैं चेंज कर देता हूँ इसमें मान लीजिए ग्रीन। अब देखिए, मुझे मेल करना होगा, अपने फाइल को मैंने अपडेट कर दिया, मुझे मेल करना होगा तो जस्ट मैं इस सेल टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूंगा, मुझे एक कंफर्मेशन पूछेगा, हमने बोला यस, ये ओपन होगा, डेटा चेंज पट्टी हो गया, कलर चेंज हो गया। अगर चेंज नहीं हुआ तो राइट क्लिक करके आप अपडेट लिंक पे कर सकते और फिर इसको सेंड कर दीजिए तो काम आपका काफी आसान हो गया। हेलो मनीष कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, नमस्कार। फोन बंद नहीं हुए था सर, ये लॉगिन होने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था ना इसमें। गलती से आपसे रिमूव हो गया था क्योंकि तो बैच लिस्ट
मैं रियल हूँ। उस टाइम कोई डाउट इसमें मिल आ गया। अब इसमें हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में भी हम क्लिप हेलो हाँ जी पूछिए। ये जो फीचर है ये अभी हर कोई आउटलुक पे काम करेगा या आप जो इसमें कर रहे हैं उसी में ही करेगा? मेरे में करेगा सर। आपको मेल चला जाएगा तो आपके पास फाइल थोड़ी जाएगी। नहीं नहीं 2010 में भी ये फीचर काम करेगा? हाँ हर फीचर मैं तो 2003 में यूज करता था। ओके तो अब मेरे पास तीन चार शीट्स में डेटा है, पांच शीट में डेटा है, मतलब कि डेटा एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंस डेटा है। अब मैं इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। अब एक ही देखिए आप यहाँ पे कि मेरे पास चार पांच डेटा है। अब मुझे इसको कंसोलिडेट करना है या कंपाइल बोल लीजिए, मुझे इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करना जानते हैं ना सर? हम क्या करेंगे हाँ इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर दूसरे को कॉपी सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर इसके नीचे हम पेस्ट करते, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ठीक है तो हमारे पास कितने प्रोसीजर है? पहला है शीट पे जाके डेटा को कॉपी करना, दूसरा डेटा शीट पे आना और सबसे लास्ट में जाना और फिर पेस्ट करना। तो मैं ये नहीं कहता कि ऑटोमेट हो जाएगा लेकिन हाँ मैं आपका आधा काम आसान कर सकता हूं। कैसे? इसके लिए हम आपको क्या करेंगे कि यहाँ क्लिपबोर्ड के आगे आपके सामने ये एरो का निशान होता है, इसको आप जस्ट ओपन कर लें। इसको आपको जस्ट अब क्या करना है, कॉपी करते चला जाना है, कॉपी कॉपी, आपको पेस्ट नहीं करना है, जस्ट कॉपी करना है, कॉपी लास्ट में जहां आपको पेस्ट करना है वहां पे जाइए और यहां से पेस्ट ऑन कर। हो गया पेस्ट? समझ आया मनीष जी? समझ में आया नाकी जी? यस सर। डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर नहीं सर। इसका इस्तेमाल करते हैं आगे चल के जब हम आपको ऑटोमेशन वगैरह सिखाएंगे उसमें हम इसको प्रोग्रामिंग के जरिए और बाकी चीज के जरिए भी आपको हम कंपाइल करना सिखा देंगे। अब हम बात करते हैं पिक्चर लुकअप की। देखिए पिक्चर लुकअप का मैं एक पार्ट कराऊंगा उस वीडियो का, दूसरा पार्ट आपको खुद से समझ से करना है। जैसे मेरे पास दो तरह के डेटा है। पहला डेटा है मेरे पास मंथ वाइज सेल्स का डेटा, मान लीजिए मैं यहां पे जैन टाइप कर देता हूं। और इसको भी हम कलर कर दें, और दूसरा हमारे पास डेटा है प्रोडक्ट वाइज। मेरे पास दो तरह का डेटा है और भी हो सकते हैं,
दूसरी सीट पे मैं यहाँ पे चॉइस देता हूँ कि मुझे रिपोर्ट जो देखनी है डेटा वैलिडेशन में जाके मैं इसकी लिस्ट बना देता हूँ। मुझे देखना है मंथ वाइज और प्रोडक्ट वाइज। तो अगर मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट किया तो मुझे मेरा मंथ का डेटा या इससे रिलेटेड किसी तरह का मान लीजिए चार्ट वगैरह इंसर्ट कर लेता हूं मैं। और इससे रिलेटेड भी हम मान लीजिए कि लाइन चार्ट ले लेते हैं इसमें। चार्ट डिजाइन में जाके तो मैं अगर सी टू पे अगर मंथ को सिलेक्ट करूं तो मंथ या प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूं तो प्रोडक्ट आना चाहिए। तो अभी जैसे कि मान लीजिए जो हमारा डेटा है ये डेटा कितने इसको पेज लेआउट में जाके मैं ग्रिडलाइन को ऑफ कर देता हूं ताकि एक ग्रिडलाइन हट जाए। अब मैं अगर पूरे डेटा को सिलेक्ट किया इसको तो इसका रेंज है A1 से लेके J11 राइट। तो अभी लोग इसको जानते हैं C1 A1 to J11। मैंने फॉर्मूला बार में गया और इसका डिफाइन नेम कर दिया, इसको मैंने बोल दिया मंथ। अब ये मंथ के नाम से जाना जाए तो मंथ आ गया ना, देखिए मंथ आ गया। सेम इसी तरह से हमने इसको भी सिलेक्ट किया और इसका नाम हमने प्रोडक्ट कर दिया। बाय डिफॉल्ट आ जाता है, आप चेंज कर सकते हैं अपना। तो नेम आपका वही होना चाहिए जो आपके ड्रॉप डाउन में है। अब हम बात करते हैं पेज एज ए लिंक की। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पेज एज ए पिक्चर लिंक कर दिया। तो यहाँ सीट वन दिख रहा है रेफरेंस, जो मैंने आपको बताया था पहले, इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं मान लीजिए मंथ कर दिया तो मेरे पास मंथ का डेटा आ गया। अगर मैंने इसको कर दिया मान लीजिए प्रोडक्ट, तो ये हमारा प्रोडक्ट का डेटा आएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को डाउट इसमें? अनिल जी, नाग जी, सुनील जी, दोस्त नारायण जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नो सर, थोड़ा डाउट है, थोड़ा कर सकेंगे। अब इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है कि मुझे तो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला बार में जा, मुझे चेंज करना है यहाँ। तो पहले इस चीज पर जानना है कि जो यहाँ मंथ लिखा हुआ है वो एक्चुअल में मंथ नाम का नेम नहीं है फॉर्मूला बार में। जो मंथ, ये जो मंथ है और इस मंथ से कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये मंथ एज ए टेक्स्ट है, यहाँ पे नाम है सुजीत होता है, सुजीत एक नाम होता है। बट मैं चाहता हूं कि ये मंथ और इसके बीच में रिलेशन क्रिएट करूं ताकि ये मंथ जो है अपने आप को एक टेक्स्ट ना समझे, अपने आप को रेंज समझे। तो इसमें मेरी मदद करेगा इनडायरेक्ट। तो अगर मैं यहां पे इक्वल सम करता हूं और सम में मैं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला देता हूं, तो आप अब देखेंगे कि इनडायरेक्ट क्या कर रहा है। अब इसको कैसे देखेंगे? देखने के लिए आपको फॉर्मूला एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहां देखिए इनडायरेक्ट को मिला क्या मंथ, मंथ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट है, टेक्स्ट है सॉरी। तो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर दिया उसके रेफरेंस में, समझे? कंसेप्ट समझ में आया? मनीष जी, पिनाक जी, इनडायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आया आपको? सर और एक बार बताइएगा तो अच्छा होगा सर।
देखिए आपने मान के थ्री है ना, तो आपने यहाँ पे बी थ्री लिख दिया, तो क्या हो गया बी थ्री शो करेगा। आप यहाँ पे इक्वल बी थ्री लिखते तब मैं बी थ्री का रिजल्ट देता, बात समझ आया आपको। अब तो बी थ्री कोई रेफरेंस नहीं है, इसके लिए क्या टेक्स्ट है। अब इसी बी थ्री को मैं इनडायरेक्ट के अंदर में लिख दूंगा, दे दूंगा, तो इनडायरेक्ट जैसा आपका इक्वल बी थ्री काम कर रहा है उस तरह से काम करेगा और यहाँ पे बी थ्री का रिजल्ट आपको दे देगा। तो सेम इसी तरह से अगर मैं डायरेक्ट सम के अंदर में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता तो सम समझता कि सी थ्री पे मंथ एक टेक्स्ट है, तो ये कोई रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको जीरो शो कर। लेकिन इसी चीज को हमने इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर में डाल दिया, तो इनडायरेक्ट ने क्या किया, इस मंथ का जो मंथ है हमारा, इस मंथ नेम का नेम मैनेजर में इससे इसको लिंक कर दिया, जिससे हमें इस मंथ वाले नाम के डेटा का टोटल आ गया। अब समझ में आया, मतलब मुझे इस मंथ को एज ए रेफरेंस कहीं यूज करना है तो उसको हमें इनडायरेक्ट की तरह ले जाएगा। इनडायरेक्ट एक ट्रांसलेटर है, जैसे कि आपको अगर चाइनीज नहीं आती है और चाइनीज भी हिंदी नहीं आती है, तो बीच में का इंटरप्रेटर लेते हैं कि आपकी बात को सुन के दूसरे समझाएगा, उसी तरह से हमारा ये इनडायरेक्ट काम करता है बिटवीन फॉर्मूला इन द टेक्स्ट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे मंथ ही शो करेगा, तो क्या हम यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर में इस मंथ को दे देंगे तो क्या काम बनेगा? नहीं, क्यों? यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बोल रहा है कि ये किसी तरह का फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। तो किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है, ये सिर्फ है तो सेल एड्रेस को लेगा, नहीं तो आपके नेम मैनेजर। तो मैंने क्या किया, एक नया नेम डिफाइन किया शो के नाम से, और इसमें हमने उस इनडायरेक्ट को कॉल कर दिया, इनडायरेक्ट, और इसमें हमने इसको डाल दिया, क्योंकि नेम मैनेजर आपका जो है वो फॉर्मूला एक्सेप्ट करता है। अब मैं देखिए हम नए मैनेजर में पता चल जाएगा जो शो हमारा है, इस पे जाएंगे तो सीधे यहाँ आपके अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मंथ के जगह पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप शो पे जाके इस पे क्लिक कीजिए, ये आपका प्रोडक्ट वाले एरिया को हाईलाइट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के जगह पे शो कर देता, अब मैं यहां इसको चेंज करता हूं मंथ, तो मंथ का डेटा आता है, प्रोडक्ट का डेटा आता है। ठीक है, सुनील जी, मनीष जी, अंतोष नारायण जी, अब ये फाइल, हाँ जी सर, ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको दस देखने से नहीं होगा, आपको इसको ट्राई करना, समझ गए? कोई दिक्कत होती तो मुझसे आप बात करें।
कंप्लीट करने के लिए मुझे आप लोगों की ईमेल आईडी चाहिए होगी, आप लोग वहीं पे रहें आपको मेल। राग जी आपकी यही है ना? अपने अपने ईमेल आईडी मुझे भेज देंगे प्लीज चैट पे। हेलो हेलो।